Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Akram here. Welcome to my YouTube channel Learn English Online by Vocabulary Basic to Advanced. Today we are going to discuss lecture number 11, word, phrase, clause and sentence. In this lecture we learn about word, phrases, clauses and sentences with examples. Let's start. सबसे पहले हमने लेटर्स की बात की थी, अल्फाबेट की बात की थी, उनकी एग्जांपल्स की बात की थी और वन बाय वन तमाम लेटर्स को डिस्कस किया था. आज वर्ड और फ्रेज और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे. अगर हम वर्ड की बात करें तो इसकी डेफिनेशन बड़ी आसान सी है. अ सिंगल आर द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज. A single are the smallest meaningful unit of the language which can be written or spoken is called a word. For example, book जो है वो एक meaningful word है और ये letters का मजमुआ है. इसी तरह pen, door, Ahmed and Lahore, ये तमाम जो अल्फाज बोले गए हैं ये वर्ड की एग्जांपल हैं. नेक्स्ट फ्रेज क्या है? जब हम अल्फाज को जोड़ते हैं तो एक फ्रेज बनता है. और फ्रेज के अंदर और सेंटेंस के अंदर फर्क क्या है उसको भी साथ देखेंगे. फ्रेज की डेफिनेशन, अ कंबिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस. अ कंबिनेशन ऑफ words that make sense but not a complete sense is called a phrase. अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो सेंस तो दे लेकिन मुकम्मल तौर पर मफहूम को बयान ना कर सके उसे फ्रेज कहा जाता है. मिसाल के तौर पर इन द रूम जो है ये एक फ्रेज है. इसके अंदर तीन वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं जिसके मीनिंग तो है कमरे में लेकिन ये मुकम्मल तौर पर अपना मफहूम बयान नहीं कर सकता इसलिए ये फ्रेज है. ऑन द वॉल, एट द डोर. नेक्स्ट मूव करते हैं सेंटेंस. सबसे पहले हमने वर्ड डिस्कस किया उसके बाद अल्फाज का जो मजमुआ है ऐसा मजमुआ जो अपनी सेंस मुकम्मल तौर पर क्लियर ना कर सके उसे फ्रेज कहते हैं उसको डिस्कस किया. अब हम सेंटेंस को डिस्कस करते हैं. सेंटेंस की डेफिनेशन की बात करें, व्हेन वी स्पीक और राइट वी नीड वर्ड्स. जनरली दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन ग्रुप्स एज. जब हम कोई बात करते हैं या लिखते हैं तो हमें अल्फाज की जरूरत पड़ती है और ये अल्फाज आमतौर पर ग्रुप की शक्ल में इस्तेमाल किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ स्टूडेंट. He is a student. इसके अंदर चार वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं. He goes to school daily. A large number of spectators watched the match. ऐसा अल्फाज का मजमुआ जो अपना मीनिंग मुकम्मल तौर पर बयान कर दे. अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो मुकम्मल तौर पर अपने मीनिंग या अपनी सेंस क्लियर कर दे उसे सेंटेंस कहा जाता है. ये जो तमाम एग्जाम्पल्स हैं, ही इज अ स्टूडेंट, ही गोज टू स्कूल डेली, अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स वॉच द मैच, ये सारी की सारी सेंटेंस की एग्जाम्पल्स हैं. इसी से मिलता जुलता एक और एलिमेंट है जिसे क्लॉज कहते हैं. फ्रेज, सेंटेंस और क्लॉज, ये तीनों आपस में मिलते हैं. फ्रेज ये है कि उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता और उसके अंदर वर्ब नहीं पाया जाता. सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है. अगर हम क्लॉज की बात करें, क्लॉज भी इससे मिलता जुलता है. अ सेंटेंस विच इज पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्लॉज. एक ऐसा सेंटेंस जो एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा हो उसे क्लॉज कहते हैं. इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. अच्छा याद रखिएगा कि सेंटेंस के अंदर भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, क्लॉज के अंदर भी हैं. फर्क क्या है? क्लॉज के अंदर
जो क्लॉज है वो एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा होगी, जबकि सेंटेंस जो है वो एक क्लॉज भी हो सकती है, दो या तीन क्लॉजेस भी आ सकती हैं उसके अंदर। मिसाल के तौर पर दिस इज द स्कूल वेयर वी स्टडीज। अब वेयर वी स्टडीड ये जो हिस्सा है जिसको मैंने बोल्ड और अंडरलाइन किया हुआ है, ये क्लॉज है, और पहले वाला हिस्सा दिस इज द स्कूल, ये वाला हिस्सा और दूसरा हिस्सा वेयर वी स्टडीड, ये दोनों मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। शी हैज अ वॉच विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अगली जो इसकी एग्जाम्पल है, शी हैज अ वॉच, इसका एक हिस्सा है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, इसका दूसरा हिस्सा है, ये दोनों मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला लफ्ज है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें, अ नाउन आर एन एडजेक्टिव, अ नाउन आर एन एडजेक्टिव इज यूज टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ लिंकिंग वर्ब आर बी फॉर्म वर्ब इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। आसान सी इसकी अगर डेफिनेशन हम करें, कोई ऐसा नाउन या एडजेक्टिव जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में हमें मदद करे उसे कंप्लीमेंट कहा जाता है, कंप्लीट करने वाला, मुकम्मल करने वाला। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, शी सीम्स प्रिटी, शी सीम्स प्रिटी, अब इसके अंदर कोई वर्ब जो है एक्शन वर्ब शामिल नहीं है बल्कि लिंकिंग वर्ब है। अब शी सीम्स, यहां पे सब्जेक्ट शी है, सीम्स वर्ब है, प्रीटी, प्रीटी जो है वो बेसिकली एडजेक्टिव है और यहां पे कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। ये याद रखिएगा कि जो कंप्लीमेंट है ये नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। ही इज अ डॉक्टर, इस सेंटेंस के अंदर ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है, डॉक्टर जो है वो नाउन है और नाउन के साथ साथ ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ही लुक्स ब्यूटीफुल, ही लुक्स ब्यूटीफुल, इसके अंदर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये कॉम्प्लीमेंट है। फर्दर है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, एक सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं। अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, याद रखिएगा कि अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो फिर उसके ज्यादा हिस्से होंगे, लेकिन यहां पे उसके बेसिक जो पार्ट्स हैं उसकी बात की जा रही है। तो किसी भी सेंटेंस को बेसिकली तौर पर दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, नंबर वन सब्जेक्ट है और नंबर टू प्रेडिकेट है। इनको हम फर्दर समझने के लिए अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कीजिएगा। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच द वर्ब इन दैट सेंटेंस टेल्स समथिंग, सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके मुतल्लिक वर्ब डिस्क्राइब करे, वर्ब इंफॉर्मेशन दे, इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। या अगर हम दूसरी डेफिनेशन को पढ़े, अ सब्जेक्ट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ सब्जेक्ट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द एक्शन और दैट इज इन द स्टेट ऑफ बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब। सब्जेक्ट याद रखिएगा कि एक लफ्ज भी हो सकता है, अल्फाज का मजमुआ भी हो सकता है जिसके मुतल्लिक वर्ब हमें मालूमात देता है। एग्जाम्पल की बात करें, अहमद प्लेज, अहमद प्लेज, प्लेज जो है ये वर्ब है और वर्ब मालूमात दे रहा है अहमद के मुतल्लिक, तो इट मींस अहमद जो है वो यहां पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। या दूसरे तौर पे हम देखें तो अहमद जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है और एक्शन परफॉर्म करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। तो इस सेंटेंस के अंदर अहमद सब्जेक्ट है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स वॉच द मैच, अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, ये तमाम अल्फाज मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं और ये फ्रेज नाउन फ्रेज जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अहमद इज अ गुड डॉक्टर, इसके अंदर बेसिकली कोई काम नहीं पाया जा रहा, ये एक
स्टेट जो है वो डिस्क्राइब की जा रही है, अहमद इज अ गुड डॉक्टर, तो इसलिए अहमद जो है वो इसके अंदर सब्जेक्ट है। सेंटेंस का दूसरा हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। अगर डेफिनेशन इसकी पढ़े, दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट। सेंटेंस का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के मुतल्लिक मालूमात दे उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसा कि हमने पहली एग्जांपल पढ़ी, अहमद प्लेज, अहमद जो है वो सब्जेक्ट था और प्लेज इसके अंदर वर्ब भी है और साथ साथ इसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके अंदर सब्जेक्ट के मुतल्लिक मालूमात दी जाए उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। इट मीन प्लेस जो है ये प्रेडिकेट है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स वॉच द मैच, वॉच द मैच ये हमें सब्जेक्ट के मुतल्लिक मालूमात दे रहा है, इसलिए इस सेंटेंस का जो प्रेडिकेट है वो वॉच द मैच। अहमद इज अ गुड डॉक्टर, इस सेंटेंस का इज अ गुड डॉक्टर प्रेडिकेट है और अहमद सब्जेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है ये आपको समझ आया होगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट के मतलब हमने डिस्कस किया, सेंटेंस के मतलब डिस्कस किया, फ्रेज के मतलब डिस्कस किया और क्लॉज के मतलब डिस्कस किया। इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा। बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़।